वेलकम बैक, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के लेक्चर हम लेकर के आए हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसके पहले हमने जो बैक्टीरिया के लेक्चर्स अपलोड किए हैं YouTube चैनल पर उसे आप देख चुके होंगे। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले हमारे चैनल को YouTube पर जाइए, सर्च कीजिए बॉटनी लेक्चर्स, लोगो पर टच कीजिए, उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में बैक्टीरिया नामक एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप उस बैक्टीरिया को प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर बैक्टीरिया के बाकी के लेक्चर आपको मिल जाएंगे, जैसे हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया, मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसके बारे में वहाँ पर लेक्चर आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कितने टाइप के होते हैं वो भी तीनों लेक्चर हमने वहाँ पर अपलोड कर दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन, ये तीनों प्रोसेस वहाँ पर हमने अपलोड कर दिया है। उसके बाद आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैक्टीरिया से रिलेटेड, और हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव में से ग्राम शब्द आया कहाँ से, इसको अगर देखना है तो साइंटिस्ट के नाम पर ये नाम रख दिया गया है ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव। ओके, तो आइए देखते हैं। द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक वॉज डेवलप इन 1884 ईस्वी में। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या किया गया, डेवलप किया गया बाई डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट। किसके द्वारा? डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ने नामक साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को सबसे पहले प्रस्तुत किया था, जिसकी वजह से इन्होंने अपने ही नाम पर इस पॉजिटिव और निगेटिव बैक्टीरिया का नाम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव रख दिया। यानी ग्राम शब्द कहाँ से आया? साइंटिस्ट के नाम से आया है। ओके, आइए इसके आगे बात करते हैं हम बैक्टीरिया के। ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव हम कैसे इसकी स्टेनिंग करते हैं ये पूरा टेक्निक इसमें हमने बताया है, और उसके बाद इसमें डिफरेंसेस क्या है ये भी आपको हम बताएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा, पहले पॉइंट पर यहाँ पर लिखा हुआ है बैक्टीरिया आर लार्ज ग्रुप ऑफ माइन्यूट। लार्ज ग्रुप मीन्स ढेर सारे ग्रुप होते हैं, माइन्यूट होते हैं छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं एक सेल के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो यूनिसेलुलर माइन्यूट होंगे। विच हैव बीन क्लासिफाइड एज प्रोकैरियोटिक सेल, जिनमें क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल मोस्टली पाई जाती है। एज दे लैक ए ट्रू न्यूक्लियस, जो कि प्रोकैरियोटिक अगर होंगे तो इसके बारे में हमने पहले ही सेल स्ट्रक्चर के बारे में वहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। आप अभी प्लेलिस्ट में जाइए और सेल का जो वीडियो हमने अपलोड किया है उसको देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं। दे लैक ए ट्रू न्यूक्लियस, ये चूंकि प्रिमिटिव टाइप के इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है इसलिए इसमें क्या होगा ट्रू न्यूक्लियस क्या होगा अब्सेंट होगा, मीन्स न्यूक्लियर एनवेलप एंड डीएनए जो होगा हिस्टोन प्रोटीन से बाइंडेड नहीं होगा। ये मेन ट्रू न्यूक्लियस के लक्षण है जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखेंगे। दीज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कंप्राइज ए सिंपल फिजिकल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सेल्वा, कैप्सूल, डीएनए, पिलाई, फ्लैजेला, साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम। इस बेसिस पे इसको हम कंप्राइज कर सकते हैं। ओके, अगले पॉइंट में देखिएगा। बैक्टीरिया कैन बी ग्राम पॉजिटिव आर ग्राम निगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग। बैक्टीरिया की जब स्टेनिंग की जाती है उसी आधार पे बैक्टीरिया के जो सेलवाल होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, दो टाइप की निकल जाती हैं, एक को बोल दिया जाता है पॉजिटिव और दूसरे को बोला जाता है निगेटिव। स्टेनिंग करने के बाद ये प्रोसेस पता चलती है। आइए आगे देखते हैं इसकी स्टेनिंग हम कैसे करते हैं और इस बेस पे बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं। तो स्टेनिंग मेथड के आधार पे बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट में हम इसमें देखते हैं। द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे पहचानेंगे आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को और ग्राम निगेटिव को। देखिएगा यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन द क्रिस्टल वायलेट कलर एंड स्टेन पर्पल। यानी जब इसकी स्टेनिंग करते हैं तो स्टेनिंग किस कलर से करते हैं, क्रिस्टल वायलेट कलर से स्टेनिंग किया जाता है बैक्टीरिया के। ओके, जब आप बैक्टीरिया का स्टेनिंग करेंगे क्रिस्टल वायलेट कलर से। ओके, तो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं
जो कि पर्पल कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो रेड कलर के दिखाई देते हैं। तो जो क्रिस्टल वॉलेट से कलर करने के बाद रेड कलर के होंगे उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बोलेंगे, जो पर्पल कलर के होंगे उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहेंगे आफ्टर स्टेनिंग। ये बात ध्यान दीजिएगा, स्टेनिंग करने के बाद ही ये दिखाई देगा। ओके, इस बेस पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोर रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबॉडीज बिकॉज देयर सेल वॉल इज इम पेनिट्रेबल। इनकी जो सेल वॉल होती है इनपेनिट्रेबल होने की वजह से क्या होगा, एंटीबॉडीज से ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित होगी। इस बेस पे आइए देखते हैं आगे स्ट्रक्चर। यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का। इधर आप देखेंगे ग्राम पॉजिटिव है, सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ये। ओके, पेप्टाइडोग्लाइकान की ये जो होगी सेल वॉल होगी, इसकी जो सेल वॉल होती है कैसी होगी, थिक होती, ठीक है। और ये जो बने हैं टेकोइड एसिड हैं, सभी टेकोइड एसिड हैं। इस प्रकार से ये जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ओके, इसमें आप देखेंगे तो पेप्टाइडोग्लाइकान की जो लेयर होती है वो बहुत थिन होती है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप ये हल्की सी थिन होगी, जबकि ग्राम पॉजिटिव की जो होगी वो काफ़ी थिक होती है। ओके, यानी मोटी होती है। और इसका ये हो जाएगा आउटर लेयर, ठीक, इस तरीके से। और ये प्रोटीन का बना हुआ पूरा पूरा लेयर है ऊपरी परत का, इस तरह से। दोनों का डिफरेंस बिल्कुल अलग है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। यहाँ पर देखते हैं इस फिगर में और ही भी क्लियर हो जा रहा है। इस बेस पे आप देखते हैं ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, नहीं पाई जाती है। ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव है उसमें आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती है, यानी सिमिलरिटी है, ठीक है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी दोनों में पाया जाता है। अब मेन इसकी बात करते हैं हम, जो सेल वॉल है, सेल वॉल इसमें कितनी लेयर की बनी हुई है, चार लेयर, लगभग चार यानी फोर लेयर्स की सेल वॉल होगी जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, शुगर और क्या होगा, एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन है। ओके, इस बेस पे ग्राम पॉजिटिव में लेयर क्या होगी, ज़्यादा थिक होगी, किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकन की यानी सेल वॉल, जबकि ग्राम नेगेटिव में सिर्फ एक ही सिंगल लेयर इस तरीके से पाई जाएगी, ठीक है। अपेक्षाकृत ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल थिन होती है और ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल थिक होती है। ओके, उसके बाद लाइपोप्रोटीन की लेयर ग्राम नेगेटिव में पाई जाती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में लाइपोप्रोटीन की लेयर नहीं पाई जाती है। ओके, तो ये मुख्य इसके अंतर हैं। इसके आगे हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पॉइंट्स, मुख्य पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा डिफरेंस दोनों में अंतर। द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ थिक लेयर पेप्टाइडोग्लाइकन, थिक लेयर, इसके पहले भी हमने फिगर में बता दिया आपको, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से पॉइंट वाइज देख लीजिए आप। कंपोज्ड ऑफ थिक लेयर की पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है ग्राम पॉजिटिव की, जबकि ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, देखिए, द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ थिन लेयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड में, इन द ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस प्रोसीजर ग्राम पॉजिटिव सेल्स रिटेन द पर्पल कलर, ये चीज़ हमने आपको पहले फिगर में भी बता दिया है, पर्पल कलर आता है, जबकि ग्राम नेगेटिव का क्या आता है, रेड कलर दिखाई देता है, ठीक है, पर्पल कलर ना आकर के रेड कलर आ जाता है। ओके, अगला पॉइंट हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस एक्जोटॉक्सिक, क्या होता है, एक्जोटॉक्सिक प्रोड्यूस करता है, जबकि ग्राम नेगेटिव क्या प्रोड्यूस करेगा, इंडोटॉक्सिक प्रोड्यूस करता है। इस तरह से आज का जो लेक्चर है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग अगला लेक्चर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अगला लेक्चर होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया के मॉर्फोलॉजी और कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, इसका डिस्कशन अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर में बात करने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ बरोबर, और प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो साइटोलॉजी और बैक्टीरिया अदर वीडियोज आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। धन्यवाद।